गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 15 की शुरुआत में हम काउंसिल को देखते हैं जो कि रियल वर्ल्ड से डिसअपीयर होकर वेबटून वर्ल्ड में पहुंच जाता है, और तभी काउंसिल के सामने भी स्क्रीन पे फाइनल एपिसोड लिख जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब योंजो के डैड को भी पता चलता है कि उनकी बेटी फिर से जिंदा हो चुकी है, तो वो काफी हैप्पी होकर बाहर भागते हुए उससे मिलने जाते हैं। बट इससे पहले कि वो भी टैक्सी में बैठ पाते, योंजो के डैड भी रियल वर्ल्ड से वेबटून वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, और तभी उनके सामने भी फाइनल एपिसोड लिख जाता है। एंड देन एट लास्ट हम योंजो को देखते हैं जिसके सामने भी फाइनल एपिसोड लिखा होता है। ये सब देखने के बाद योंजो भागते हुए अंदर जाती है, एंड वहाँ की होटल के स्टाफ से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि वेबटून वर्ल्ड में एक साल बीत चुके हैं। मतलब ये कि अभी हमारे योंजो को ठीक हुए 10 मिनट भी नहीं हुए, पर वेबटून वर्ल्ड में पूरा का पूरा एक साल बीत चुका है। जिसके बाद योंजो भागते हुए सोही से मिलने जाती है, एंड देन उससे कांगचुल के बारे में पूछती है, तो जिस पर सोही उसे बताती है कि पुलिस ने कांगचुल को पकड़ लिया है क्योंकि वो काफी बुरी हालत में आज से एक साल पहले हॉस्पिटल के बाहर मिला था। योंजो सोही से पूछती है कि क्या कांगचुल एक साल से जेल में है, तो जिस पर सोही कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे आरोप लगे हैं, जैसे कि अपने अंकल को जान से मार कर भागने का आरोप, सबूतों को बदलने का आरोप, एंड तीसरा आरोप जिंदा होते हुए भी खुद को मरा साबित करने का। देन नेक्स्ट सीन में हम योंजो को कोर्ट में देखते हैं जहाँ आज कांगचुल को सजा मिलने वाली थी, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को काफी दिनों बाद देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। बट हमारा कांगचुल योंजो को अपनी आंखों के सामने दोबारा जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होता है, और इससे हमें पता चलता है कि लव इज ब्लाइंड, क्योंकि भाई को इधर सजा मिल रही है और वो उधर अपनी हीरोइन को देखकर हैप्पी हो रहा है। वेल, जज साहब काफी देर तक लेक्चर सुनाने के बाद एट लास्ट कांगचुल को सजाए मौत देते हैं। कांगचुल योंजो से पूछता है कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई, तो जिस पर योंजो उसे बताती है कि जैसे ही मैं ठीक हुई वैसे ही मैं तुमसे मिलने आ गई, बट तब तक यहाँ पे एक साल बीत चुका था। तो जिस पर कांगचुल कहता है कि तब तो ये मेरे साथ काफी गलत हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक सालों से परेशान हूँ, और पता है मैं तो ये भी सोचने लगा था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर किसी और को तो डेट नहीं करने लग गई। ये सब सुनकर योंजो कहती है कि तुम ऐसी हालत में भी मजाक कैसे कर सकते हो, एंड देन कहती है कि आखिर तुम रियल वर्ल्ड में वापस क्यों नहीं आए, तो जिस पर कांगचुल उसे बताता है कि मैं पूरे एक साल से रियल वर्ल्ड में वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं आज तक ऐसा कर नहीं पाया, शायद इसलिए क्योंकि ये वेबटून डब्ल्यू का आखिरी एपिसोड है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे पुलिस आकर कांगचुल को वहाँ से ले जाती है। कांगचुल के जाने के बाद योंजो हमें बताती है कि जब उस दिन कांगचुल काफी ज्यादा मार खाने के बाद रियल वर्ल्ड में था, तब उसने अपने आप से कहा था कि अब मैं वेबटून डब्ल्यू का मेन कैरेक्टर बनकर काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मैं इस वेबटून को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। एंड कांगचुल के इतना कहते ही वेबटून डब्ल्यू का फाइनल एपिसोड स्टार्ट हो गया, और अब हम तीनों में से कोई भी वेबटून वर्ल्ड से तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक कि वेबटून डब्ल्यू का फाइनल एपिसोड खत्म ना हो जाए, फिर चाहे इसकी एंडिंग सैड हो या फिर हैप्पी। कांगचुल जब खड़ा होता है तभी अचानक से उसके हाथों की हथकड़ियाँ खुल जाती है, और तभी उसके हाथ में एक गन भी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम बॉडीगार्ड एंड योंजो को साथ में देखते हैं। तभी थोड़ी देर बाद पुलिस उन्हें कॉल करके बताती है कि कांगचुल जेल से भाग चुके हैं। बॉडीगार्ड योंजो से पूछता है कि कांगचुल ने मुझे बताया कि तुम हमारी नहीं बल्कि किसी और दुनिया से हो, तो
तो क्या ये बात सच है, क्योंकि मुझे उसकी किसी भी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा। तो जिस पर योंजो कहती है कि हाँ बिल्कुल। योंजो जब एक कैफे में बैठी होती है तभी वहाँ पे कांगचुल आकर उसे बाहर बुलाता है, और ये सब देखकर हमारी योंजो वॉज लाइक इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, जेल से भाग के आने से क्यों ना घबराए, दर्दे दिल जाने ना पुलिस इसे पकड़ के लेकर जाए, ये फिर से भाग के आए, हाँ आए, इस दीवाने लड़के को कोई समझाए। योंजो कांगचुल पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर तुम बार बार क्राइम्स करते रहोगे तो फिर हमारी वेबटून की हैप्पी एंडिंग कैसे होगी। कांगचुल योंजो का फेस अपनी ओर करते हुए कहता है कि अब कम से कम तुम मुझे अपना चेहरा तो दिखा दे, इतने दिनों बाद जो मिली है। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं। कांगचुल योंजो को बताता है कि मुझे जेल से किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे डैड ने भगाया है, और मेरे कपड़े एंड ये कार भी उन्होंने ड्रॉ की है। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कांगचुल योंजो के डैड से मिलने जाता है। कांगचुल के पूछने पर योंजो के डैड उसे बताते हैं कि मुझे इस तरह किसी और ने नहीं बल्कि मैंने खुद ही बांधा है, क्योंकि मुझे वेबटून वर्ल्ड में आए हुए 1 साल हो चुके हैं, बट अभी तक मुझे इस बात का पता नहीं है कि आखिर मेरी बेटी जिंदा भी है या फिर नहीं। गाइस आप कुछ भी कहो बट योंजो के डैड अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जब कांगचुल उन्हें बताता है कि आपकी बेटी अभी भी जिंदा है तो वो ये बात जानकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। योंजो के डैड कांगचुल को बताते हैं कि इन 1 सालों के अंदर मैंने कई लोगों को जान से मारने की कोशिश की, इसलिए नहीं क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ बल्कि इसलिए क्योंकि मैं कभी कभी अपने आप से पूरी तरह से कंट्रोल खो बैठता हूँ एंड उसी खूनी की तरह बिहेव करने लगता हूँ जिसने मुझसे कहा था कि भले ही हम दो हैं बट हमारी आत्मा एक है। कांगचुल योंजो को बताता है कि तुम्हारे डैड को दोनों दुनिया की मेमोरीज याद हैं, इसलिए कभी कभी वो तुम्हारे डैड की तरह बिहेव करते हैं तो कभी कभी उस खूनी की तरह, क्योंकि तुम्हारे डैड को उस खूनी की मेमोरीज बार बार याद आती हैं। कांगचुल योंजो को बताता है कि तुम्हारे डैड ने बहुत पहले ही एक और लैपटॉप कार्टून वर्ल्ड में बनाकर छिपा दिया था एंड उन्होंने रहने के लिए भी वेबटून वर्ल्ड में बिल्कुल वैसा ही घर ड्रॉ किया है जैसा रियल वर्ल्ड में है। देन नेक्स्ट सीन में हम योंजो को देखते हैं जो कि भागते हुए अपने डैड से मिलने जाती है एंड अपने डैड की ऐसी हालत देखकर कांगचुल से पूछती है कि आखिर तुमने मेरे डैड को ऐसे बांध कर क्यों रखा है। तो जिस पर कांगचुल उसे बताता है कि ऐसा करने के लिए मुझे किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे डैड ने ही कहा था, क्योंकि वो कभी कभी अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। आफ्टर दैट वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। योंजो के डैड कहते हैं कि मेरी बेटी क्या तुम जिंदा हो, तो जिस पर योंजो कहती है कि हाँ डैड बट क्या आप ठीक हैं, एंड देन वो अपने डैड की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा रोती है। वेल अ फादर एंड डॉटर का इतना इमोशनल सीन देखकर कांगचुल के साथ साथ हम व्यूअर्स भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, और जो इमोशनल नहीं हुआ वो कमेंट करके बताएं। योंजो जब खाना बना रही होती है तो उसके डैड कांगचुल को कुछ करने को कहते हैं, जिसे सुनकर कांगचुल काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड उनसे कहता है कि आखिर आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो जिस पर योंजो के डैड कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा। सेम नाइट जब योंजो एंड कांगचुल खाना खा रहे होते हैं तो साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, और तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि थोड़ी देर पहले योंजो के डैड ने कांगचुल से कहा था कि हम दोनों रियल वर्ल्ड में साथ में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुम्हें हैप्पी एंडिंग चाहिए तो फिर मेरी एंडिंग सैड होगी, और अगर मेरी एंडिंग हैप्पी होगी तो फिर तुम्हारी एंडिंग सैड होगी। इसका मतलब ये कि हम दोनों में से कोई एक ही वापस रियल वर्ल्ड में जा सकता है और दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए वेबटून वर्ल्ड एज वेल एज रियल वर्ल्ड से डिसअपीयर होना होगा। लेकिन अब मैं वेबटून वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि अब मैं वो नहीं हूँ जो मैं पहले था, और अगर किसी तरह मैं रियल वर्ल्ड में वापस चला भी गया तो फिर मैं वहाँ जिंदा नहीं रह पाऊंगा, बिकॉज अब मुझे जिंदा रहने के लिए लोगों को जान से मारना होगा।
अब आप लोग मुझसे ये मत पूछना कि क्यों। अरे भाई, इसलिए क्योंकि अब उस खूनी की आत्मा भी योंजो के डैड के बॉडी में है। एंड वैसे भी अब मैं काफी बुढ़ा हो चुका हूँ, सो प्लीज तुम अपनी हैप्पी एंडिंग करके मुझे यहीं पे मरने के लिए छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ हम प्रोसिक्यूटर हान को देखते हैं, जो कि कांगचुल के बॉडीगार्ड को काफी ज्यादा टॉर्चर करते हुए उससे कांगचुल के बारे में पूछते हैं। एंड देन कांगचुल को कॉल करके उसके बॉडीगार्ड की, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी है, धमकी देते हुए आज रात को 11 बजे कांगचुल को मिलने के लिए बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर योंजो के डैड को फाइंड कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने वेबटून वर्ल्ड में काफी लोगों को जान से मारा है। योंजो जब वेबटून में कुछ ड्रॉ कर रही होती है तो अपने डैड के पूछने पर उन्हें बताती है कि मैं उस रूम में ड्राइंग के थ्रू कैमरा लगाने जा रही हूँ जहाँ पे आज से एक साल पहले प्रोसिक्यूटर हान ने कांगचुल को काफी बुरी तरह से टॉर्चर किया था। योंजो के डैड जैसे ही ये सब सुनते हैं तो उनका रिएक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम योंजो को देखते हैं जिसे उसके डैड मारने की कोशिश कर रहे थे। योंजो के डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी गन से शूट करके मारा था, तो फिर तुम जिंदा कैसे हो। बट इससे पहले कि वो हमारी योंजो को कुछ भी कर पाते, तभी वहाँ पे कांगचुल आकर उसे बचा लेता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को साथ में देखते हैं, जहाँ योंजो के डैड कांगचुल से कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि अब मैं एक मॉन्स्टर बन गया हूँ, सो प्लीज जैसा मैंने कहा है तुम बिल्कुल वैसा ही करना। कांगचुल योंजो को बताता है कि प्रोसिक्यूटर हान ने मेरे बॉडीगार्ड को किडनैप कर लिया है और उसने मुझे आज रात को 11 बजे लैपटॉप के साथ मिलने के लिए बुलाया है। और हाँ, तुम्हारे डैड को भी पुलिस फाइंड कर रही है, क्योंकि उन्होंने एक सालों के अंदर काफी सारे लोगों को जान से मारा है। एंड फाइनली यहाँ पे कांगचुल योंजो को सब कुछ बताते हुए कहता है कि हम दोनों में से तुम्हारे पास कोई एक ही रह सकता है, क्योंकि मेरी हैप्पी एंडिंग मतलब कि तुम्हारे डैड की सैड एंडिंग, एंड इसी तरह तुम्हारे डैड की हैप्पी एंडिंग मतलब कि मेरी सैड एंडिंग। इन शॉर्ट तुम कह सकती हो कि फाइनल एपिसोड के खत्म होते ही हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर के बाहर योंजो के डैड को फाइंड करते हुए पुलिस भी आ जाती है। बट हमारी होशियार योंजो अपने डैड की ड्राइंग लैपटॉप की हेल्प से उस घर के सभी खिड़की दरवाजों को डिसअपीयर कर देती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहां कांगचुल अपनी रिंग निकालते हुए कहता है कि एक फादर को उसकी बेटी से अलग करना काफी गलत होगा, इसलिए आज से मैं तुम्हें फ्री करता हूँ, आज के बाद तुम मेरी फैमिली नहीं हो, क्योंकि इस वेबटून की एंडिंग चाहे जैसी भी हो बट तुम्हें हमेशा सेफ रहना है। एंड आज तुम्हें अपने फादर एंड मेरे बीच में किसी एक को चुनना होगा, और तुम्हारा डिसीजन जो भी होगा मैं उसे फॉलो करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम योंजो के प्रोफेसर को देखते हैं, जिन्हें उनका कलीग बताता है कि वेबटून W का फाइनल एपिसोड आ चुका है। बट इससे पहले कि वो बेचारा और कुछ बोल पाता, प्रोफेसर उसका मुंह पकड़ते हुए कहते हैं कि गधे चुप हो जा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे इस कार्टून के बारे में पहले ही बताकर मेरा मजा खराब कर दे। मेरे पास आंखें हैं, मुंह है, लैपटॉप है, नेट है, मैं खुद जाके पढ़ लूंगा। देन नेक्स्ट सीन में हम प्रोफेसर को उनके ऑफिस में देखते हैं, जहां वो वेबटून को ओपन करने से पहले अपने आप को काफी काम एंड मोटिवेट करते हैं, जिसके बाद वो W वेबटून को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि वेबटून W राइटर ओ सियोंग मो एंड एपिसोड नंबर फाइनल एपिसोड। बट इससे पहले कि प्रोफेसर थोड़ा आगे बढ़ते, हमारा पार्ट 15 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।